हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आप लोग देख रहे होंगे कुछ टाइम से मैं थोड़ा सा किन मैसेजेस के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो थोड़ी सी इधर बिजी ज़्यादा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है लॉकडाउन की वजह से, तो एक नया सिस्टम है, काम थोड़ा ज़्यादा है, तो हमारी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रहे हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो आप लोग ये बिल्कुल ना समझे कि मैं कमेंट्स चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे कमेंट देख रहा हूँ लेकिन उसका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग भी जो डिमांड लिख रहे हैं मैं उनको नोट कर रहा हूँ और मैं उनको कोशिश करूँगा कि उसको जल्दी से पूरी करूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग फिलिप्स कर्व को डिस्कस करेंगे। देखिए ये फिलिप्स कर्व एक इकोनॉमिक फिनोमिना है जो कि A.W. फिलिप्स जिन्होंने दिया था आइडिया, जिन्होंने डेवलप किया था इस आइडिया को, उनका नाम A.W. फिलिप्स था, इसी वजह से इस कर्व का नाम फिलिप्स कर्व नाम रखा है। ये कर्व ये बताता है आपको कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है? इन्वर्स है और स्टेबल है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप है और ये रिलेशनशिप कांस्टेंट है, यानी यही रिलेशनशिप पूरे टाइम रहती है। होगा क्या, जैसे ही इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होगी तो उस ग्रोथ के होने से पैसा बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा और इसकी वजह से जॉब ज्यादा होंगी, और जब जॉब बढ़ेंगी तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, जब पैसा ज्यादा आएगा तो उससे इन्फ्लेशन होगा। तो यानी जब इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ होती है तो उससे पैसा बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है और अनएम्प्लॉयमेंट घटता है, ठीक है। लेकिन ये जो एक ओरिजिनल कंसेप्ट है इसको अगर आप ये चेक करें कि ये एम्पेरिकली टेस्टेड है या नहीं है, तो उसके लिए आप देखें 1970s के अंदर जो है वो एक स्टैगफ्लेशन आया था। स्टैगफ्लेशन कहते हैं कि जब इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, तो एक कंडीशन होती है, इसको हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। 1970s के अंदर स्टैगफ्लेशन आ गया था, उस वक्त माना जाता है कि ये फिलिप्स कर्व फेल हो गया था। खैर उसको डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो क्या स्टडी की गई ताकि जो माना गया कि ये फेल हुआ, ठीक है। लेकिन अभी जो इसका कंसेप्ट है, जो 1950s और 60s के अंदर इसका जो कंसेप्ट लेके चले थे, वो कंसेप्ट यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी चेंज होगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर तो वो एक प्रेडिक्टेबल इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन के ऊपर, ठीक है। अब सिंपली जो इसको कर्व है, इनवर्स कर्व हम बनाए तो वो बन जाएगा। डायग्राम से आइडिया लेते हैं, यहां आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और ये आपका इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, और ये आपका फ्लिप्स कर्व हो गया। जाहिर है ये आपको पता है, कोई भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कोई भी कर्व होता है तो उसके अंदर इनवर्स रिलेशनशिप होती है। अब मान लीजिए ये प्राइस है और ये अनएम्प्लॉयमेंट है, अब अगर प्राइस घटे, प्राइस यहां आ गए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपका P1, ये P2, ये U1 और ये U2, तो ये आपको तो मैं फ्री हैंड बना रहा हूं इसलिए वो ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, आप उसको देख लीजिएगा। सिर्फ ये बताना है कि यहां पर दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है और दोनों में स्टेबिलिटी है। अगर ये बढ़ेगा घटेगा तो इस पर असर पड़ेगा, ये बढ़ेगा घटेगा तो इस पर असर पड़ेगा, ठीक है, इनवर्सली रहेगा। सिस्टम कहता है जो 1950s और 60s में चला कि अगर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या मुराद है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो लोगों के जॉब जा रहे हैं, लोग जॉबलेस हो रहे हैं। जब लोग जॉबलेस होंगे उनके पास पैसे ही नहीं होगा कुछ खरीदने के लिए, जब खरीदने के लिए नहीं कुछ नहीं होगा तो प्राइस घटने लगेंगे,
ठीक है, और मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घटने का मतलब लोगों को ज्यादा जॉब्स मिल रहे हैं, लोगों को ज्यादा पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो मनी सप्लाई बढ़ रही है, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा। पैसे की तरफ से ले लें कि अगर मान लीजिए प्राइसेस बहुत हाई हैं, प्राइसेस अगर हाई हैं तो इसका मतलब लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोग ज्यादा एम्प्लॉय होंगे। लेकिन अगर प्राइस घट रहे हैं तो इसका घटने का मतलब यह है कि अब लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, पैसा कम हो रहा है तो लोग जॉबलेस हो रहे हैं, तो उस केस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट मींस अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो जॉब कम हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है तो जॉब बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्योंकि इन दोनों में ही हम दोनों को वाइस वर्सा लेते हैं कि प्राइस का अनएम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट का प्राइस पर, तो पॉलिसी मेकर्स को यहां पर एक आसानी हो जाती है कि वो किसी को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। उनको अगर अनएम्प्लॉयमेंट को सिर्फ चेक करना है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं घटाएं प्राइस अपने आप काम करेंगे, या उनको अगर प्राइस पर काम करना है, मानी सपोज कर लीजिए उनको अगर इसके डिमांड बहुत कम है, डिमांड कम है तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, तो उस टाइम में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मनी सप्लाई को बढ़ा देगी, थोड़ी सी मनी सप्लाई बढ़ाएगी तो प्राइस बढ़ने चालू हो जाएंगे, प्राइस जब बढ़ेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट घटने लगेगा। तो यहीं पर पॉलिसी मेकर्स को आइडिया हो जाता है कि हमें फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी से किस तरीके से मार्केट को कंट्रोल करना है। ठीक है, और 1960 के अंदर ये आइडिया बहुत ज्यादा पॉपुलर था। 1960 के अंदर बाकायदा एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ली गई जिससे पूरे इस फिलिप्स कर्व को एक्सप्लेन किया गया। इन्होंने बताया इसको कि ये स्टार्ट होता है जब कहीं भी फिस्कल स्टिमुलस होता है, मान लीजिए अगर फिजिकल स्टिमुलस से फिजिकल स्टिमुलस हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि मनी डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, जब ऐसा केस होगा तो क्या होगा, जब मार्केट के अंदर पैसा बढ़ेगा, फिजिकल स्टिमुलस होगा, तो उससे आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज करेगी। जब फिजिकल स्टिमुलस होगा किसी भी इकोनॉमी के अंदर तो उससे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब यह है कि अब मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ रही है, लोग ज्यादा खरीदेंगे, जब लोग ज्यादा खरीदेंगे तो लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, लेबर डिमांड बढ़ जाएगी, कंपनीज को ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ने लगेगी, और उससे क्या होगा, जो पूल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो सब्सिक्वेंटली डिक्रीज होगा। पूल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट के जो एक पूल आपके ग्रुप बने हुए थे, पूल्स थे जिसमें से लोग अपने लिया करते थे वर्कर्स को, ये छोटे होने घटने लगेंगे क्योंकि लोगों को जॉब मिलने लगेगी। जब ये पूल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट घटेंगे तो इसमें क्या होगा, कंपनीज ये चाहेंगी किसी तरह से कि इस पूल में से हम अच्छे अच्छे स्किल्ड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय निकाल लें, स्किल्ड और टैलेंटेड पूल को हम निकालें इसमें से, यानी पूल को हम छोटा करें, और इसकी वजह से उनको वेजेस बढ़ानी पड़ेंगी। जब उस पूल को वो छोटा करेंगे और उसमें से टैलेंटेड लोगों को निकाल कर लाएंगे तो उनको फिर कंपेरेटिवली उनको सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी, और जब सैलरी ज्यादा बढ़ गई तो इसका मतलब यह है कि कॉस्ट ऑफ वेजेस बढ़ जाएगी, वेज कॉस्ट जो है वो वेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जब वेज कॉस्ट बढ़ेगी तो कंपनीज क्या करेंगी, उसके लिए अपनी जेब से तो वो देंगी नहीं, वो अल्टीमेटली इस कॉस्ट को ट्रांसफर कर देंगी कस्टमर्स की तरफ, अपने प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ा देंगी जिससे वो कॉस्ट उनकी रिकवर हो जाएगी, तो वो क्या करेंगी, प्राइस को बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो ये इन्फ्लेशन हो गया। पूरे सीक्वेंस आपको यह बता रही है कि जैसे ही फिजिकल स्टिमुलस होता है उससे अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है, यानी लोगों को ज्यादा जॉब मिलते हैं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, लेकिन प्राइस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो
गवर्नमेंट्स को जो आइडियाज़ मिलते हैं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ एक स्टेबिलिटी रहती है, तो वो एक पॉलिसी जनरली लेके चलती हैं गवर्नमेंट, जिसको हम कहते हैं स्टॉप गो स्ट्रेटेजी। ये जो स्टॉप गो स्ट्रेटेजीज, ये बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं कि एक इन्फ्लेशन रेट को टारगेट कर लिया गवर्नमेंट ने, कहा कि अगले साल जो है हम 2.5 इन्फ्लेशन को अचीव करेंगे। अब सारी जो आपकी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है, यानी सारी जो रिसोर्सेज हैं, वो इस काम पर लग जाती हैं कि हमें साल के एंड में 2.5% इन्फ्लेशन अचीव हो जाए। ठीक है, यही सिस्टम इसमें काम करता है, यही फिलिप्स कर्व का बेसिकली काम है। 1970s के अंदर आकर, ये तो 1960 में बहुत ज्यादा, 50s और 60s में बहुत ज्यादा चला ये सिस्टम सारा, 1970s में आकर मार्केट में एक स्टैगफ्लेशन आ गया। स्टैगफ्लेशन, जैसे मैंने बताया था कि स्टैगफ्लेशन एक वो सिस्टम है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों डायरेक्ट सीध में चलते हैं, यानी इन्फ्लेशन भी बहुत होता है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत होता है। 1970s के इस स्टैगफ्लेशन ने फिलिप्स कर्व के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, क्या ये सिस्टम काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। और उस वक्त मॉनेटरिस्ट इकोनॉमिस्ट जो थे, उन्होंने फिलिप्स कर्व को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने सिंपली कहा कि देर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन इन दी लॉन्ग रन। उनका कहना था कि लॉन्ग रन में आपका एम्प्लॉयमेंट जो है वो परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि प्राइस बढ़ते रहे घटते रहे, अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वो है। उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया इस बेस पर, लेकिन फिर भी बाकी लोग मानते हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अब भी ये सिस्टम रेलेवेंट है, लोग इस पर काम करते हैं और गवर्नमेंट अब भी कहीं हद तक इसको बेस बनाकर अपनी पॉलिसीज को बनाती है। जो पॉलिसी मेकर है वो अब भी इस फिलिप्स कर्व का यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत लंबा नहीं था ये, मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया कि फिलिप्स कर्व क्या होता है, इसमें बहुत डिटेल में हम नहीं गए। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, अगर नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।